आपके अपने YouTube चैनल UPSC नीट स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पेट एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि 2022 वर्ष में यूपी पेट का एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, और दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसको क्वालिफाई भी करना है, और दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आप भी यूपी पेट से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पेपर जो है UPSSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और दोस्तों अगर आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आप यूपी के किसी भी सी ग्रुप या डी ग्रुप को फॉर्म फिल कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो दोस्तों आप यूपी के सी ग्रुप या डी ग्रुप का फॉर्म क्वालिफाई ना कर मतलब पेट फॉर्म क्वालिफाई ना करने की वजह से कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन चालू कब से हुआ है। दोस्तों ये एप्लीकेशन 28 जून से चालू हो चुका है। इसका फॉर्म जो है 28 या 2022 से फिल होना चालू हो गया है। दोस्तों इसका लास्ट डेट जो है 27/7/2022 है, 27 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट है। दोस्तों आपको फीस सबमिट करने के लिए भी लास्ट डेट 27/7/2022 ही है, और दोस्तों अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती हो जाता है तो दोस्तों आपका उसका करेक्शन जो है 3 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं। दोस्तों ये पेपर जो है सितंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है आपको बिफोर एग्जाम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, दोस्तों क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। तो दोस्तों जनरल या OBC कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो दोस्तों आप 185 रुपये फॉर्म फिल करते वक्त पेड करेंगे, और दोस्तों अगर आप एस सी या एस टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों आप 95 रुपये फॉर्म फिल करते वक्त पेड करेंगे। दोस्तों आप अगर फिजिकली दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों आप 25 रुपये फिल करेंगे फॉर्म को फिल करते वक्त। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या होने वाली है। दोस्तों आपकी मिनिमम एज जो है कम से कम आप 18 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो मैक्सिमम एज होगी वो दोस्तों 40 साल होगी। दोस्तों आप कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आप 40 साल के होने चाहिए। दोस्तों ये जो आपकी एज कैलकुलेट होगी दोस्तों ये 1/7/2022 से कैलकुलेट होगी। इसका मतलब दोस्तों आपको 1 जुलाई 2022 को 18 साल पूरा कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी ध्यान दें कि आप 1 जुलाई 2022 को 40 साल से अधिक ना हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एज लिमिट की। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए दोस्तों आप क्लास 10th एटलीस्ट पास होने चाहिए। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से क्लास 10th जो है पास होने चाहिए। दोस्तों आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो दोस्तों क्लास 10th की। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं और भी इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये क्या कैसे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में चलते हैं, तो यूपी पेट का नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों प्रथम पेज में वही है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। दोस्तों हाँ, सेकेंड पेज में जो है नोटिफिकेशन के दोस्तों ये देखिए आप। दोस्तों जो भी आप फॉर्म फिल करते वक्त आपको जो भी ध्यान देना है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से है। दोस्तों जो भी आप फ़ोटो सबमिट करेंगे उसमें दोस्तों आपको चेहरा साफ दिखना चाहिए। दोस्तों जो आपका चेहरा उसमें उस फोटो में साफ दिखना चाहिए। दोस्तों उस फोटो पे जो है अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा चमकता भी ना रहे, छाया ना हो उस फोटो पे। दोस्तों आप कंधे से ऊपर जो है अपना फेस दिखाएंगे पूरा। दोस्तों 50 से 60 तक का साफ दिखता हो चेहरा जो है आपका, ऐसा फोटो आप अपलोड करेंगे। दोस्तों चेहरे के दोनों किनारों दोनों कान साफ दिखने चाहिए। दोस्तों आपको जो दोनों कान हैं वो साफ दिखते रहें, ऐसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप चश्मा पहनते हैं तो दोस्तों आपकी आँखें साफ दिखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप चश्मा पहनते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आप फोटो अपलोड करें उसमें आपकी आँखें साफ दिखनी चाहिए, अन्यथा शीशा रंगीन ना हो। दोस्तों आपको सही शीशा जो चश्मे का होगा वो भी रंगीन ना हो। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है जो भी आप फोटो अपलोड करें। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप कैमरे पर सीधे नज़र आपका होना चाहिए। दोस्तों आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें दोस्तों आप कैमरे की तरफ सीधा देखते रहें, ऐसा फ़ोटो आप अपलोड करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और मुख बंद होना चाहिए फोटो में। दोस्तों इसके अलावा सफ़ेद या हल्के ग्रे की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। दोस्तों जो आपका बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए। दोस्तों फोटो का जो आकार होगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होगा। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो आपका फोटो होगा वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए अगर आप 6 महीने से पुराना फोटो अपलोड करते हैं तो ऐसा फोटो ना अपलोड करें। अब दोस्तों हम बात कर लें कि जो फोटो होगी आपकी दोस्तों ये मैक्सिमम 50 KB की होनी चाहिए दोस्तों। अधिकतम जो 50 KB से ऊपर फोटो नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये भी आप स्पष्ट कर लें कि जो भी आप सिग्नेचर करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो ये अमान्य हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको फॉर्म फिल करते हुए क्या क्या ध्यान देना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फीस के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फीस क्या है। दोस्तों जनरल OBC के लिए 185 रुपये, SC ST के लिए 95 रुपये, फीस के लिए दिव्यांग आदमी के लिए 25 रुपये। दोस्तों ये तो बात हो गई फीस की, मैंने आपको पहले ही फीस के बारे में बता दिया था। अब दोस्तों ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों ये आपका इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों, जो भी ये जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो दोस्तों 1 वर्ष तक मान्य होगा दोस्तों। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ये एग्ज़ाम आपका 1 वर्ष तक मान्य होगा दोस्तों, मैक्सिमम ये 1 वर्ष तक मान्य होगा, इसके बाद ये मान्य नहीं होगा, इसके बाद आपको दोबारा पेपर देना होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि ये वैलिड कब तक है दोस्तों, ये 1 वर्ष तक वैलिड है, वैलिड जो है आपका 1 वर्ष तक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा इसमें, इन सब के बारे में। तो दोस्तों हाँ दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आपका इसमें पूछा जाएगा भारतीय इतिहास दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री जो आपकी पूछी जाएगी वो दोस्तों 5 मार्क्स की पूछी जाएगी दोस्तों। जो आपका इंडियन हिस्ट्री होगा वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो दोस्तों टॉपिक ये हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका टॉपिक होगा ये आपका इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युत्थान। और दोस्तों ये दोस्तों आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव दोस्तों, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। इसके अलावा दोस्तों आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया दोस्तों, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। ये टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ज्योग्राफी होगा, भूगोल, वो भी दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाने वाला है दोस्तों। इस ज्योग्राफी के लिए आपका ये टॉपिक कंपलसरी, ये आपको पढ़ना होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों। इसके अलावा जो आपकी इंडियन इकोनॉमी होगी वो भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको यहाँ तक ये इतना टॉपिक पढ़ना होगा, ये इंडियन इकोनॉमिक में यहीं से पूछा जाएगा। और दोस्तों जो आपका भारतीय संविधान एवं लोक शासन, लोक प्रशासन होगा दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपका 5 नंबर पूछा जाएगा। और दोस्तों उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो दोस्तों ये हैं दोस्तों, आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से कितने नंबर का पूछा दोस्तों। सामान्य विज्ञान से 5 नंबर का पूछा जाएगा और दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए टॉपिक ये है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक अंकगणित की दोस्तों, एलिमेंट्री अर्थमेटिक दोस्तों, जो आपका मैथ होगा वो भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। और दोस्तों उसके लिए ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे दोस्तों, ये टॉपिक उसके लिए इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा इसमें कौन कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, तो वो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। आपको हिंदी में ये टॉपिक पढ़ लेना है दोस्तों, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश है, जो आपका इंग्लिश पूछा जाएगा दोस्तों, वो भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना होगा और अपडेट गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ये आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लें जो रीजनिंग वाली पूछी जाएगी, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग,
दोस्तों ये आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। और दोस्तों इसके लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों, आपको ये टॉपिक जो है पढ़ लेने हैं, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सामाजिकता जो करंट अफेयर है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 10 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। भारतीय एवं वैश्विक जो आपका ये करंट अफेयर होगा, ये 10 नंबर्स का पूछा जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस की दोस्तों। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो भी 10 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 10 नंबर का पूछा जाने वाला है दोस्तों। इसमें आपको भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी मुद्रा दोस्तों, इसी तरीके से इतने टॉपिक आपको इसके लिए पढ़ने होंगे दोस्तों। आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने ही टॉपिक से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप जनरल अवेयरनेस के लिए ये टॉपिक पढ़ लें, तो दोस्तों ये 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो बात कर लें हम, आप पठित हिंदी गद्यांश जो है विवेचन एवं विश्लेषण के लिए 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक में पाँच प्रश्न होंगे दोस्तों, ये आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो आपका 2 ग्राफ होगा, 5 नंबर हर ग्राफ में होगा दोस्तों, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण दोस्तों, 2 तालिकाएं आपको दी होंगी, प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे और आपको ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मैथ के लिए आपका इसमें जो है, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, लमसम आपका 15 या 20 नंबर का पूछा जाने वाला मैथ, क्योंकि दोस्तों ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी मैथ का भी पार्ट है दोस्तों। हिंदी भी आपका 15 नंबर का हो गया, क्योंकि दोस्तों अपडेट हिंदी के अध्ययन से विवेचना विश्लेषण भी जो हिंदी का भी टॉपिक है, 5 नंबर का उधर, 10 नंबर का इधर। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक थे, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए इसमें लिखा हुआ कुछ शर्तें, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा दोस्तों। ये आपकी NCERT द्वारा जो है निर्धारित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। परीक्षा का प्रकार जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा दोस्तों, बहुविकल्पी प्रकृति का आपका ये प्रश्न होगा दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों टिक करने वाला होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी दोस्तों, आपका 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप भी एक भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को करते वक्त ये ध्यान दें कि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है और आप गलत क्वेश्चन ना करें। तो दोस्तों ये तो हमने पूरा UPPET का पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको UPPET द्वारा जो भी नियम हैं, जो भी इसमें शर्तें हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा ये कितने दिन तक वैलिड होगा, ये फॉर्म कब तक फिल होगा, सब्जेक्ट कौन से पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे दोस्तों, पूरा हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप इस बार UPPET का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों हमारी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अभी ख़त्म होती है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।